हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे सभी। और खुश भी रहना चाहिए सबको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपने एक नए ब्लॉग, एक नए रूटीन के साथ। डेली वही नहीं रहता है मेरा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जो भी है आप लोग जब देखोगे तभी बता पाओगे कि चेंज है या नहीं है। तबीयत थी मेरी ख़राब, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और देखो, वीडियो तो बनानी होती है, चाहे कैसे भी हो, तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ। और मैं चुप थी थोड़ी सी देर, मैं देख रही थी मेरा फ़ोन आ गया था बीच बीच में, तो वॉइस ओवर कर रही थी और बीच में फ़ोन आ रहा था, मैं उसे देख रही थी बार बार। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा शुरू हुआ है यमी यमी कोफ्ते से। और बताना किसको कोफ्ते पसंद हैं, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं अपनी वीडियो में। और मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते। वैसे तो मैं ये कोफ्ते, मैं क्या कोई भी, मतलब आलू के भी बनते हैं कोफ्ते, तो कई चीज़ों से बनते हैं, पर मेरे यहाँ घिया के कोफ्ते, घिया को घिया ही बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, सबका अलग अलग अपना नाम है अपने अपने जगह पर। तो हम भी बना रहे हैं घिया के कोफ्ते। और सबसे पहले मैंने इसको कस लिया था थोड़ा सा, और कसने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ा नहीं मतलब इसके अकॉर्डिंग डाला था, जो उसकी पकौड़ियाँ अच्छी सी बन जाए। और उसमें फिर मैंने मसाले वगैरह ऐड किए थे, क्योंकि तभी ही बनते हैं। लेकिन मैं एक खास चीज़ है कि मैं पानी नहीं डालती बिल्कुल भी इसमें, थोड़ा टाइट सा इसका बैटर बनाती हूँ, क्योंकि पानी तो लौकी अपना आप ही छोड़ देता है थोड़ी देर में। नमक डलते ही ना ऐसा हो जाता है बिल्कुल, जैसे बिल्कुल पनीला पनीला सा ना पानी पानी हो जाता है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा सूखा सा हो जाता है नीचे से, लेकिन 5-10 मिनट बाद ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे हमने कितना पानी डाल दिया हो इसमें। लोग इसके में कोफ्ते बनाने के लिए जो पकौड़ी हम बनाते हैं, पकौड़ी ही टाइप की बनती है, तो पकौड़ी बोलती हूँ मैंने। और आप बताना आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्योंकि सबका अपना अपना अलग हिसाब होता है। देखो ठीक है, हम जो चीज़ बोलते हैं वो आप नहीं बोलोगे, जो आप बोलते हैं वो हम चीज़ों के लिए, हम लोगों के लिए बिल्कुल अलग होगा। तो मैंने वो बना लिया था बैटर, और ये मैं पकौड़ी की ही तरह तल रही हूँ इनको। पता नहीं आज क्या रीज़न था, समझ में नहीं आया, तेल ना ऐसा था, वैसे तो था ये मस्टर्ड ऑयल था, और पता नहीं इसमें क्या हुआ क्या नहीं, और एकदम ना बबल्स आ गए बिल्कुल ऊपर, और फिर वो धीरे 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 वो थोड़ा सा नम हुआ उसमें, जो फिर थोड़ा सा वो स्लो होता होता चला गया। पर मैं भी सोच रही थी आज ये हो क्या गया, क्योंकि ना बबल ना इतने आए कि सारा ऊपर एकदम आ गया था, मैं ही डर गई थी ये हो क्या गया भला। या तो ये था कि हो सकता है मैंने तेज़ की हुई थी इसकी फ्लेम गैस की, इस वजह से हुआ हो, क्या रीज़न है पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। इतना साइंटिफिक गहराई तक मैं नहीं पहुंची हूँ आज तक लेकिन मैंने मेरे जो वो है पकौड़ियाँ उसकी बन चुकी थी। और एक ना देखो, ये मैं जब बना रही थी लौकी तो फास्ट था ना, मैं बना तो कुछ और रही थी और बन कुछ और गया, कुछ और किया बस, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे करूं। ये एक्चुअली ना ये लौकी है, और ये तो बन गए मेरे, रेडी हो गए हैं कोफ्ते। देखो ये वाले यमी यमी, बड़े यमी यमी बने थे बाकी ना। और इस मौसम में ना गंदगी सी बहुत लगती है, एक तो हवा चलती रहती है पूरा दिन, कितनी भी क्लीनिंग कर लो ना सब बेकार लगता है। एक्चुअली मैं बना तो हलवा रही थी लौकी का, और फिर मैंने बस इसमें एक चम्मच ना बड़ी वाली मलाई भी डाली इसमें, और वाकई ना बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी ट्राई करके देखना कभी। और ये मेरे साइड में कोफ्ते, मैंने ज़्यादा इतना वो नहीं दिखाया चौक वगैरह का, तो मैंने बना दिया था, तो सबको ही पता है टमाटर का पेस्ट बनाओ, ऑनियन का बनाओ, वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हम पनीर में डालते हैं ना पेस्ट बना करके, और बस इतना ही बनाओ जो डिप हो जाए इसके अंदर कोफ्ते, और वो पूरा सोख ले उसका जो रेसा रस्सा है। तो बाकी मेरे बहुत अच्छे बने थे ये कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। और धूल, मैंने बताया ना धूल मिट्टी इतनी है कि मुझे ना दोबारा भी पोछा लगाना पड़ गया मॉर्निंग के बाद भी, क्योंकि लगभग 11-12 बज रहे थे, हवा इतनी तेज़ आई, तूफान सा आता है ना बाहर से, और सारी गंदगी एकदम गेट से एंट्री करती है, सारा बहुत कुछ ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब जब बैठूंगी काम निपटा करके, तो थोड़ा सा एक बार क्लीनिंग कर दूँ, कमरे में पोछा सा कर देती मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ, नहीं तो मैं क्लीनिंग तो, पर फिर भी मैंने कहा चलो, क्योंकि तभी बैठा जाता है, मन नहीं करता इतने।
और मैं इसी में इसलिए मैं पोछा वगैरह कर रही थी, खड़े खड़े कर देती हूँ। आपने देखा होगा मैं मोप से भी कर देती हूँ, वैसे तो मैं मोस्टली मोप ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मन था, बहुत हल्का सा पोछा मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल, और सॉफ्ट सा है, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता क्योंकि मुझे लगाना भी नहीं है ज़ोर इतना अभी पोछे के साथ। मैं तो कभी कभी इमरजेंसी में लगाती हूँ पोछा तो, और तो मैं उसको ही ना धूल मिट्टी सारी जो थी बिल्कुल इकट्ठी हो रही थी, इतनी तेज़ हवा थी ना, बहुत तेज़ हवा, सारे डस्ट आता है अंदर को बिल्कुल, दोनों साइड से ओपन है, आपने देखा था मेरा घर तो पूरा दोनों साइड की जाल से भी आता है, बाहर से भी एंट्री करते हैं तब भी, अगर उसको बंद भी करो ना तब भी बहुत डस्ट आती है अंदर तक। और मैं उससे बोल रही थी, बेटी से बेटे अब ना रूम को बिल्कुल बंद कर लो बार 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 ना डस्ट आ रही है अंदर, मैं कब तक करूँगी ऐसे बार बार पोछा लगाते रहूँगी। और ये देखिए ये है ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये सभी ना ऑर्गेनिक हैं, इनमें कोई खाद नहीं डला हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये सभी बिल्कुल अपने ही खेत की हैं, एक तरह से समझिए कि ये अपने ही लगाए हुए पौधों के फल और सब्जियां हैं। और ये देखिए ये सब, इनमें कोई भी खाद नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल घर के खाद से बनी हुई हैं सब चीज़ें, नींबू है, पपीता है, केले हैं, और ये तोरी हैं, बस मैंगो नहीं थे, मैंगो थोड़ा हम बाहर से लेके आए थे, और सब सब्जी एक हफ्ते में एक बार मैं आ गई सारी तोड़ करके ले आए थे। तो वाकई ना जब अपने घर की सब्ज़ी खाओ तो बात अलग ही होती है, ये बिना खाद की बिना बिल्कुल, बस इनमें ना सिर्फ वो जो होता है ना गोबर वाला जो होता है खाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो बहुत अच्छा खाद होता है, वो डला हुआ है इनमें और कुछ भी नहीं डला हुआ। तो देखिए, और आई होप आपको मज़ा आया होगा, इसको सब्जियों को देख के तो बहुत आया होगा क्योंकि इतनी ग्रीन ही ग्रीन ही और इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, बस पूछिए मत ना कितना टेस्ट आ रहा था देख करके ही घर की सब्जियों को, और वाकई बहुत ही बढ़िया थी। तो वीकेंड में एक बार सब्जी आ गई तो और क्या कहना। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।